अगर आपको अभी भी लग रहा है कि सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, हिंदू देवी देवताओं के प्रतीकों के लिए, हिंदू देवी देवताओं के लिए अभी भी बहुत सारे लोगों की नफरत खत्म हो चुकी है, तो आप बिल्कुल भी गलत हैं। क्योंकि इतने सारे बॉयकॉट के बाद भी, इतने सारे विरोध के बाद भी साल 2023 में इस नफरत का खत्म नहीं हुआ है, खात्मा नहीं हुआ है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको फिल्मों में और राजनीतिक जगत में सुनाई पड़ी है, और इसमें बॉलीवुड से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। शुरुआत करते हैं दिसंबर महीने से, फिर जनवरी तक जाएंगे। तो अभी ताजा ताजा आपने देखा कि किस तरह से रणबीर कपूर जो है, इनकी एनिमल हिट हुई तो ये अपनी औकात में वापस से आ गए। जो पहले कहते थे कि बीफ खाना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, अब इन्होंने क्या गलती की, क्रिसमस के मौके पर केक के ऊपर दारू शराब जो भी डाली, उसके बाद कहते हैं जय माता दी, और इनकी पूरी जो कपूर फैमिली है वो भी साथ देती है, जय माता दी कहती है। बताइए इसका क्या मतलब है? जैसे ही हिंदू त्योहार आते हैं वैसे ही लोग ज्ञान देने लगते हैं। दिया मिर्जा भी इन्हीं में से एक है। बकरीद पर बकरा काट कर खाती है, पकाती है, और कहती है कि जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, पेटा वगैरह से भी जुड़ी हुई है। लेकिन इनका दोहरा चरित्र दीपावली पर दिख जाता है। दीपावली भी कहती है कि जानवरों को पटाखों से नुकसान होता है, इतनी सारी गंदगी हो जाती है दीपावली के मौके पर, पैकेजिंग को लेकर इतना तामझाम होता है कि सब कुछ कचरा फैल जाता है, जो कहते हैं वो कौन सी बर्फ है वो पिघलने लगती है, पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, हम जल्दी ही मर जाएंगे। अरे मर जाओ यार, क्या फायदा तुम्हारा जीकर। सलमान खान की फिल्म आई थी टाइगर 3, इसमें एक गाना है लेके प्रभु का नाम। अब इस गाने में देखिए जो मुद्दा उठा था इस गाने में क्या था, कि जैसे ही लेके प्रभु का नाम आ रहा है ये गाना है, इसमें कैटरीना कैफ और पीछे जो लोग खड़े थे कितने शॉर्ट्स कपड़े पहने हुए हैं, कितने गलत कपड़े पहने हुए हैं, और इनके बैकग्राउंड में ये भी कहा गया कि लिंग के जैसा आकृति दिख रहा है कुछ, वो सारी चीजें बनाई गई है, जो पत्थरों जैसी दिखी है वो सारी चीजें प्लानिंग से ही की गई है। तो ये गाना क्या किसी और धर्म के खिलाफ आप ऐसा कर सकते हो? कभी नहीं देखने को मिलेगा, ये कभी नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद फराह खान को देख लीजिए कि गणपति पंडाल में, लाल बाग में ये दर्शन करने गई थी, आरोप इनके ऊपर ये लगा कि ये शराब के नशे में थी और गणपति पंडाल में चप्पल पहनकर गई हुई थी, किसी के घर पर भी ये चप्पल पहनकर गई हुई थी दर्शन करने। और गणपति पंडाल से जो वीडियो सामने आई थी उसमें इनके ऊपर ये आरोप लगा था कि ये शराब के नशे में थी, हालांकि बाद में जवाब दिया गया कि इनकी तबीयत। फिर नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, ये जैसी सारी फिल्में हैं ये सब झूठ और प्रोपेगेंडा से भरी पड़ी हैं, इसमें सब कुछ गलत और झूठा दिखाया गया है। जबकि द कश्मीर फाइल्स की स्टोरी हम सभी जानते हैं कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन ये बात नसीरुद्दीन जैसे लोग एक्सेप्ट। प्रकाश राज, ये बंदा तो गाली खाने के लिए ही पैदा हुआ है, जो वहां का स्टालिन है तो वो सनातन धर्म का विरोध कर रहा है, और उसने कहा था कि भाई सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है, इसका पूरी तरह से खात्मा होना चाहिए, और इस बात को इसने सपोर्ट भी किया था प्रकाश राज ने। OMG 2 में जिस तरह से डायलॉग्स लिखे गए थे, जिस तरह से सेक्स और इस तरह की तमाम बातें की जा रही थी, स्त्री की योनि को हवन कुंड तक कहा गया था, इस तरह के डायलॉग भी बदले गए थे, ये सारी चीजें हिंदू। अब सोचिए कि 72 हुरे जैसी फिल्म बनाने में 11 साल लग जाते हैं, लेकिन कोई इस तरह की फिल्म आती है, द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी, इस तरह की फिल्मों को प्रोपोगेंडा बताया जाता है। यहां तक कि 72 हुरे को एडल्ट सर्टिफिकेट दिया गया था, अशोक पंडित की ये फिल्म है, इसका काफी विरोध किया गया था, जबकि वहीं पर आदि पुरुष जैसी फिल्में आती है वहां पर क्या दिखाया गया, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, इन सभी को एकदम छपरी लुक दे दिया गया था, छपरी डायलॉग्स दे दिए गए थे, और इसका मनोज मुंतशिर शुक्ला जैसे लोग सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे, जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे थे कि नहीं नहीं ये आज के हिसाब से आज के लोगों के लिए लिखी गई रामायण है, रामायण कभी आज के हिसाब से नहीं लिखी जाती, रामायण जैसी है वैसी ही होनी चाहिए। मनोज मुंतशिर शुक्ला को इतने चप्पल जूते पड़े, इतनी गालियां पड़ी, जो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस लेवल पर थे मनोज मुंतशिर और आज किस लेवल पर वो पहुंच चुके हैं, वो फिर से ऊंचाई पर नहीं आ सकते, जिसने भी सनातन का विरोध किया है, गलत दिखाया है, बहुत सी सफाइयां दी। मनोज मुंतशिर ने तो ये तक कह दिया था कि हनुमान कोई भगवान नहीं, हनुमान सिर्फ भक्त हैं, और प्रभु श्री राम में कोई खास शक्तियां नहीं थी, ऐसी शक्तियां तो एक आम इंसान भी प्राप्त कर सकता है। बताइए कि डायलॉग लिखे तो लिखे और बड़ी ही बदतमीजी। सोनाक्षी सिन्हा और विजय वर्मा की एक वेब सीरीज आई थी दहाड़,
जिसमें ठाकुरों की बेटी जो होती है वो किसी मुस्लिम लड़के के साथ भाग जाती है, और जब हिंदू संगठन इसका विरोध करने पुलिस स्टेशन के बाहर जाता है, तब इसमें ये दिखाया गया कि हिंदूवादी जो संगठन होते हैं, दल होते हैं, ये नफरत फैलाते हैं, दंगे करते हैं। बताओ, इस तरह की घटना हो और ऐसा किया जाए तो नफरत। और हिंदू देवी देवताओं को गाली देकर पैसे कमाने वाला मुनव्वर फारूकी, उसे स्टार स्पोर्ट्स के एक प्रोग्राम में बुला लिया गया, जिसे देखकर बहुत सारे हिंदुओं को दुख पहुंचा कि ऐसा काम क्यों किया। तब लोगों ने कहा, हम तो सिर्फ जियो पर ही स्पोर्ट्स देखेंगे। द कश्मीर फाइल्स को इतना अवार्ड मिला कि उसे 7 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया, लेकिन एक भी अवार्ड नहीं दिया गया। यहां तक कि जो इसके प्रोड्यूसर हैं अभिषेक अग्रवाल जी, इनको इन्विटेशन तक नहीं दिया गया था। ये कायरता नहीं है बॉलीवुड की तो और क्या है। रैपर बादशाह, इसका एक एल्बम आया था सनक, इसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो सुनिए। कभी सेक्स तो कभी ज्ञान बांटता फिरूं, जो भी जलता है उसकी डेस डेस फाड़ता फिरूं। क्या फाड़ता फिरूं आप जानते हैं, भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है। अब इसको लेकर उज्जैन महाकाल के मंदिर के जो पुजारी हैं, इन लोगों ने केस वगैरह भी किया था। हालांकि ये सारी चीजें हमारे देश में केस वगैरह तो होती है, लेकिन इन जैसे लोगों को कभी कोई सजा मिल ही नहीं पाती है। नसरुद्दीन शाह भैया कहता है कि मुगलों का योगदान इस देश में बहुत है। मुगल यहां पर लूटने और मारकाट करने नहीं आए थे, वो तो प्यार फैलाने आए थे। उन्होंने इस देश की संस्कृति और सुव्यवस्था को बनाए रखा था, यहां पर बहुत कुछ काम किए। अगर मुगलों से इतनी नफरत है तो ताजमहल कुतुब मीनार को तोड़कर गिरा क्यों नहीं देते। हिंदू घृणा से सनी एक फिल्म मेकर है, लीना मणि कमलई पलई, पता नहीं क्या नाम है उसका, तो उसने माँ काली की सिगरेट पीते हुए तस्वीर बनाई थी, और उसे कहती है कि ये क्रिएटिव फ्रीडम है। बात आप देखिए, सोनी टीवी का एक पॉपुलर जो सीरियल है क्राइम पेट्रोल, इसमें आपने एक कहानी देखी होगी, रियल घटना थी, श्रद्धा वालकर और वो आफ्ताब वाली, जिसमें किस तरह से आफ्ताब ने बेरहमी से श्रद्धा का कत्ल किया, कई टुकड़ों में काटकर जंगलों में फेंक दिया था। तो उसकी कहानी को क्राइम पेट्रोल वाले ने पूरा बदल कर ही रख दिया। उस लड़की श्रद्धा को हिंदू की जगह क्रिश्चियन दिखा दिया, और जो मुस्लिम था आफ्ताब उसको दिखा दिया हिंदू मोहित। कितना बड़ा काम किया था, जिसके चलते बहुत गालियां भी पड़ी थी इनको। तो ये सारी कहानी है। अगर आपको भी लगता है कि अभी हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत कम हो गई है, या देवी देवताओं को गालियां देना, अपमानित करें, ये सब कुछ कम हो गया है, तो ऐसा कम नहीं हुआ है। इसीलिए 2024 में बीजेपी जरूरी है, क्योंकि बीजेपी का होना इस देश में बहुत जरूरी है, वरना ये लोग वाकई में जीने नहीं देंगे।